आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है स्लोप इन ड्रेनेज पाइप। तो आज हम जानेंगे कि ड्रेनेज पाइप में कितना स्लोप रखना चाहिए, कितना स्लोप आइडियल होता है एक ड्रेनेज पाइप के लिए। ये फ्लोर है, हम लोग कंसीडर करते हैं ये 1 फिट का है। ये है आपकी पाइपलाइन, ठीक है, ये इन है, ये आउट है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका 0 इंचेज़ है और अगला एंड कितना होगा, हम लोगों को कितना स्लोप देना चाहिए। तो एक फिट में 1/4 इंचेस का जो स्लोप होता है वो एक आइडियल स्लोप होता है फ्लोइंग ड्रेन के लिए। अगर हम इससे अगर कम देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फ्लोर है आपकी, ये आपकी फ्लोर, अब इसमें हम जो पाइप बिछाएंगे अगर 1/4 इंचेस से कम की स्लोप अगर देते हैं, 1/4 इंचेस से कम का अगर स्लोप हम रखेंगे तो क्या होगा कि जो इसमें वेस्ट होगा, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए ये 0 इंचेस है और वो अगला जो एंड है वो आपका 1/4 से कम है। एक फिट की हम बात कर रहे हैं, ये आपका मान लीजिए वेस्ट। अब ये ना वेस्ट इसमें बहेगा ना आपका पानी बहेगा और आपकी ड्रेनेज लाइन चोक हो जाएगी। अगर हम अब बात करेंगे कि अगर हम अब स्लोप देते हैं 1/4 से ज़्यादा का, ठीक है, 1/4 से अगर हम ज़्यादा का स्लोप देते हैं जो इसमें जो वेस्टेज रहेगा वो वहीं, मान लो अगर किसी केस में चिपक जाता है तो पानी उसके ऊपर से चला जाएगा, ऐसे ही करके ये ड्रेनेज लाइन चोक हो सकती है। तो ज़्यादा भी देना सही नहीं होगा 1/4 से। जो आइडियल स्लोप है 1 फीट के लिए, हम यहाँ 1 फीट की बात कर रहे हैं, वो है 1 फीट के लिए 1/4 का स्लोप एक आइडियल स्लोप होता है। तो एक साइट इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब नॉलेज, उसे सिविल के साथ साथ प्लम्बिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इस लेक्चर से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।